हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करने वाली हूँ जो कि है मेरे बर्थडे प्रेजेंट का। सो आई हैव मैनिफेस्टेड माय मोबाइल। यस, मैंने मेरा जो मोबाइल है उसे मैनिफेस्ट किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने कोई भी टेक्निक उसमें इस्तेमाल नहीं किया है, ना कोई भी टेक्निक नहीं, ना विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, ना स्क्रिप्टिंग, ना मेडिटेशन में मैंने कुछ ऐसा सोचा था, ना ही मैंने कोई टेक्निक जो है उसे इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने मोबाइल जो है उसे मैनिफेस्ट कर लिया है। आपको मैं वीडियो लास्ट में बताऊंगी किस तरीके से मैंने मैनिफेस्ट किया था। ये सिर्फ मैं क्या करती थी, सिर्फ बोलती थी। अभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो काफ़ी पावरफुल है, और मैं उसमें हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि हमें जो हम जो भी बोलते हैं वो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कब क्या मैनिफेस्ट हो जाए वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो है बहुत पावरफुल है। मैं ऐसे ही कोई भी पूछता था ना, तो मैं ऐसे ही बोल देती थी, यार मेरे को मोबाइल दे दो, मेरे को मोबाइल दे दो। वो भी मैं बोलती थी, वन प्लस की मोबाइल दे दो मुझे। मेरे ऑफिस में भी अगर बात होता था ना, अरे यार कोई मुझे मोबाइल दिला दो, मतलब काम करते करते मैं बोलती थी मुझे कोई मोबाइल दिला दो, ऐसे मैं बस बोलती रहती थी। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बस मुझे मेरे यूट्यूब वीडियोज बनाने रहते थे, तो मैं जस्ट ऐसे सोच रही थी कि मैं मोबाइल लेने वाली हूँ जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए ताकि मैं वीडियो अपनी शूट कर सकूँ। मैं ऐसे सोचती थी और मैं इस तरीके से बोलती थी कोई भी होगा तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब, ये जो मेरा मोबाइल है ये फर्स्ट वीडियो मैं इसे शूट कर रही हूँ नए मोबाइल से। और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे एकदम गिफ्ट में मिला है ये मोबाइल। एंड आपको वीडियो में पता चलेगा, जब आखिर में एंड में ये वीडियो मैं अटैच करने वाली हूँ, आपको उससे पता चलेगा मुझे गिफ्ट कैसा मिला, मैंने किस तरीके से मैनिफेस्ट किया। सो बेसिकली यही बोलना है कि अगर हम कोई चीज़ टेक्निक्स भी नहीं करते हैं, अगर हम मेडिटेट करके विजुअलाइज करके अगर हम कोई टेक्निक्स भी नहीं करते, तभी भी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हम जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने भी कोई टेक्निक्स यूज़ नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गया है क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर बार बार अपना फोकस दिया, बार बार मैंने ये वर्ड्स को इस्तेमाल किए, है ना। मैंने बोला कोई मुझे मोबाइल दिला दो, लेकिन कौन से मोबाइल, मैंने सबको ऐसा बोला, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मैं मजाक मजाक में बोलती थी। तो ये ऐसा हो गया है कि मैं मजाक मजाक में ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर ली हूँ। और कैसे हो गया ना, इसमें लेट गो भी हो जाता था, क्योंकि मैं बस बोल के छोड़ देती थी, मैं ना उसके बारे में कुछ सोचती थी और ना ही मैं उस चीज़ के लिए कुछ प्रैक्टिस करती थी, और वो लेट गो भी हो जाता, बस काम करते करते मैं बोल देती थी और मैं भूल जाती थी उस चीज़ को। तो इसी तरीके से 2 महीना आई थिंक, या 2 महीने से भी कम ऐसा मैं बोल रही थी, और बीच बीच में कोई भी ऐसे बोलते थे ना, मैं ऐसे मजाक मजाक में बोल देती थी, यार कोई मेरे को दिला दो, अब मुझे तो पता है कोई नहीं देने वाला है, मैं बस मस्ती में बोल रही थी। तो हमारे वर्ड्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, सो अगर हम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें तो अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यही एक मैसेज देना था, और मेरा गिफ्ट के बारे में मुझे शेयर करना था, मेरा बर्थडे प्रेजेंट था 29 जुलाई। सो ये वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आई वॉज रियली बिजी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और यस, तो जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप किसी को कुछ उल्टा भी बोल रहे हो, तो ये सोचो कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, या क्या वैसे सर्कमस्टेंसेस आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने अनजाने में हमेशा काम करता है, हम नहीं जानते कब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, राइट। तो मेरा यही बोलने का मतलब है, मैंने तो मोबाइल मैनिफेस्ट कर लिया है। आप भी सोच सकते हो, या अगर वीडियो आप ये देख रहे हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि आपने ऐसा कौन सी चीज़ बिना चाहे आपने मैनिफेस्ट कर लिया। आपके पावरफुल वर्ड्स से, वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, एंड लेट गो भी बहुत पावरफुल होता है। मैंने बोल के जस्ट छोड़ देती थी तो ये मेरा लेट गो भी हो जाता था, राइट। तो इसीलिए ये मेरा जो बर्थडे प्रेजेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ये मेरा बेस्ट बर्थडे था। सो थैंक यू सो मच, और गिफ्ट देखना बाद में, ओके, बाय बाय, लव यू।
खोल बार खोल खरबूजा মোবাইল গন্দা হাত লাগাবি না আসলি না বাবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না দিদি আরে বক্সটা দে না এই তো বক্স আছে সচি ये मेरे मोबाइल का फर्स्ट वीडियो है, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है एंड आई लव्ड इट। ये एक सरप्राइज मोबाइल है जो केक के अंदर था। केक कटिंग के टाइम पे मैं सोच रही थी केक पूरा क्यों नहीं कट रहा है, तब मुझे पता चला। थैंक यू बाबू, थैंक यू ज्योति।